दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कि जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है वो क्या होती है, जो टीबी होता है किन लोगों को हो सकता है, ये कैसे होता है, टीबी में कौन सी जांच कराया जा सकता है, टीबी का लक्षण आपके शरीर पे क्या मिलेगा, इसके अंदर कौन सी जो दवाइयां होती है वो चलती हैं, दवाइयां कैसे खानी होती हैं, क्या खाली पेट खाना होता है या कैसे खाना होता है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके अंदर जो दवाइयां चलती हैं उसको कब तक खाना होता है, क्या 6 महीने खाना होता है, 12 महीने खाना होता है, 2 साल खाना होता है, कैसे खाना होता है। तो उससे पहले आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चैनल पे केवल आपको हेल्थ से रिलेटेड मैं जानकारी लगातार देता रहूंगा। अब हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस होता है एक बैक्टीरिया है, उसी की वजह से फैलता है, आपके थूकने से, आपके जो व्यक्ति पहले से टीबी से ग्रसित है आप उसके कांटेक्ट में अगर आते हैं तो भी आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है, उसके वजह से ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या जो टीबी होता है केवल चेस्ट का ही होता है। तो देखिए अमूमन जो होता है 70 से लेकर 75% केसों में देखा गया है कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो आपके चेस्ट के ही यानी आपके फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा ये कॉज करता है। उसके अलावा लेकिन ये जो होता है आपके हड्डियों में भी टीबी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं इसके बोन में टीबी हो चुका है। आपके पीठ के जो मसल्स होते हैं यानी जो आपका बैक रीजन गया है पूरे, उसमें भी आपको ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया जाकर के पनप सकते हैं और वहां पे आपको टीबी कर सकते हैं। जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके यूट्रस में, उनके गर्भाशय के अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो जरूर नहीं है कि जो टीबी होता है वो आपके चेस्ट में हो, टीबी आपके जो आंत होती हैं आंत में भी टीबी हो सकता है, बहुत हो गया पेट के अंदर टीबी हो गया, आंत के अंदर टीबी हो चुका है, तो वहां पे भी आपके ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आपके टीबी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका लक्षण क्या मिलेगा। तो देखिए अगर चेस्ट के अंदर आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको जो खांसी है 14 से लेकर के 21 दिन तक लगातार बना रहेगा। आप लाख खांसी का सिरप पी रहे हैं, खांसी की दवा कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको राहत नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका जो स्पूटम है यानी बलगम है वो भी लगातार बाहर आएगा, उसके अंदर कभी कभी ये छोटे छोटे ब्लड वगैरह के टाइनी पार्टिकल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि आपको रात को पसीना एकाएक बहुत ज्यादा हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आपका वजन घटना कम हो जाए होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो वजन है जो पहले वजन था उससे ज्यादा आप देखेंगे आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो ऐसे ऐसे वजन आपका कम होना शुरू हो चुका है। शुरुआत में ये जो टीबी होता है चेस्ट में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका लक्षण देखने को मिलता है। अब ये हड्डी में हो चुका है तो आपके हड्डी वगैरह में बहुत ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा, आपका वजन कम होगा, आपको बुखार वगैरह ये सब भी बना रहेगा। अगर आपके पीठ में है तो पीठ में लगातार आपके दर्द बना रहेगा, लगेगा कि अंदर से कुछ काट रहा है, कुछ रेंग रहा है, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। आपका वजन कम होगा, आपको रात में पसीना होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर क्या है, कि कौन सी जांचें कराई जा सकती हैं। तो देखिए इसके अंदर मॉन्टॉक्स टेस्ट हम लोग टीबी का कराते हैं, एक CBNAT NEET कहते हैं, CBNAT टेस्ट होता है उसको भी हम लोग करवा सकते हैं। ट्यूबरक्लिन का टेस्ट होता है उसको हम लोग करवा सकते हैं। चेस्ट का है तो हम लोग एक चेस्ट का है एक्सरे वगैरह कराते हैं, पेट में तो एक अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह कराते हैं, बोन में है तो उसका हम लोग स्टडी करते हैं, और ब्लड वगैरह एक CBC कराते हैं, खून का जांच भी कराते हैं। तो ये सब टेस्ट जो है हम लोग करते हैं। और अगर आपके चेस्ट में बलगम आ रहा है तो बलगम का हम लोग कल्चर कराते हैं, उस बलगम के ही हम लोग मालूम हो जाता है कि इसमें ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सी दवाइयां प्रमुख तौर से चलती हैं। तो देखिए इसके अंदर जो होता है एक AKT4 नामक आता है, किट आता है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो 4 प्रमुख एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका मिश्रण होता है। इसके अंदर जो होता है वो रिफेमसिन होता है, आइसोनियाजाइड होता है, पैराजिनामाइड और इथेम्बुटोल होता है। ये जो दवाइयां होती है वो 6 महीने या फिर 12 महीने तक हम लोग इस्तेमाल लगातार करते हैं, ये डिपेंड होता है कि पेशेंट कैसा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको MDR टीबी हो चुका है यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो चुका है तो है इसकी जो दवाइयां होती है 2 साल तक भी चल सकती हैं। दवाइयां जो होती हैं वो आपको खाना खाने से पहले खाली पेट 1 घंटे पहले ले सकते हैं। ये दवाइयां कुछ हार्ड होती हैं तो इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, आपको जी में चलाना, उल्टी जैसा लगना है, चक्कर जैसा आना है, पेट फूल जाना है, ब्लॉटिंग होना है, ये सब आपको समस्या शुरुआत में देखने को मिल सकती है।
अगर आपको ऐसा कोई रोग है या आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई ऐसी समस्या है तो नीचे कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा, मैं उस समस्या का समाधान भरसक प्रयास करूंगा करने का। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी का भी जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे केवल केवल मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूं आता हूं, तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए, नमस्कार।